दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 10 जून 2024 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी, इस समय रात के कोई 9-9:30 बजे के बीच का टाइम हुआ होगा। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्ध महावतार बाबा जी एवं समस्त महान आत्माओं को, समस्त आत्माओं को नमन करता हूँ। आजकल ये बहुत चर्चा चल रही है, कल क्या अवतार आएगा और वो इंडिया में आएगा, और लोग कह रहे हैं कि वो तो आ चुका, अभी प्रकट नहीं हो रहा, यहीं पर है वो। मेरे दिमाग में ये प्रश्न खलबली मचाए हुआ था कि भाई वो कल के अवतार भारत में क्यों आ रहे हैं। बहुत दिनों से प्रश्न पेंडिंग है कि वे कल के भगवान भारत में क्यों आ रहे हैं। मैंने कई बार भगवान से पूछा कि बताओ, तो उन्होंने आज मुझे जवाब दिया। ये इसलिए, इट इज सो बिकॉज इंडिया हैज बीन द लैंड ऑफ बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। उसने मुझे बताया कि यह मंगल इसलिए है कि भारत भूमि संगठित अपराधियों की सबसे बड़ी जगह रही है। मतलब यहाँ के जैसे संगठित अपराधी कहीं नहीं हुए वर्ल्ड में, इसलिए असल में तो हालात तो सबसे पहले यहाँ के सुधार रहे हैं, उसे तब जाकर दूसरे देशों का कोई नंबर आएगा। इंडिया हैज़ बीन द लैंड ऑफ बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, सबसे बड़े संगठित अपराधियों की यह भारत भूमि रही है, इसलिए उसकी जरूरत तो यहाँ है। मानवता के साथ जितना अपराध यहाँ हुआ है और ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, बड़े क्रूर वे में हुआ है और जितना लंबा चला है, ऐसा और कहीं नहीं हुआ। इसलिए भाई मंगल जरूरत तो यहाँ है उसकी, इसलिए मैंने उसको यहीं पर भेजा है। इसलिए वह यहाँ आकर के सबसे पहले यहाँ के लोगों का दिमाग सही करेगा। कैसे सही करेगा? कुटाई कर करके, उनकी कुटाई कर करके दिमाग सही करेगा। यहाँ के लोग समझ से, कानून से, शर्म से बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए वह कल के अवतार भारत में आ चुका है और प्रकट होगा, क्योंकि संगठित अपराधी गिरोह सबसे बड़े या इंडिया में हुए हैं। मानवता के साथ बड़ी भयानक त्रासदी हुई है। ठीक है दोस्तों, उस परमात्मा ने जैसे जवाब दिया मैंने आपको बता दिया। इसे आप क्या अर्थ निकालना चाहते हैं कि भारत में अब एक, जैसा मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि उथल पुथल होगी और ईश्वर से नहीं डरने वाले भयानक अपराधी सबकी अस्थेसी होगी, और मेरे दिमाग में उसका फोटो चलचित्र की तरह, उस सारे घटनाक्रमों का चलचित्र सा आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसा ही होने जा रहा है और ऐसा ही होगा। फिर भी आप लोगों को, किसी को कोई भगवान सद्बुद्धि दे, या आप मानो कि मैं, मेरी बात में थोड़ा बहुत भी दम है, तो जल्दी इस मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करिए, इसके होने वाले प्रोग्रामों में हिस्सा लीजिए। आपका भला होगा।
ये ना कहूँ कि कुछ भला हो जाए नहीं, आपका भला होगा। जैसा उसने मुझे बताया मैंने आपको बता दिया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। परमात्मा सबको भला करे।